दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है घंटा का आइकन उसको ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिले, आपको SMS मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि कुलटा या चरित्रहीन औरतों को कैसे सज़ा देना चाहिए, ये भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और देखेंगे शुरुआत से। उसके बाद आज के चैप्टर है मित्र बनाने एवं ना बनाने योग्य पुरुषों के लक्षण तथा कृतज्ञ गौतम की कथा का आरंभ। युधिष्ठिर ने कहा, कौरव कुल की बात प्रीति बढ़ाने वाले महाज्ञानी पितामह, मैं कुछ और प्रश्न आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ, मेरे उन प्रश्नों का विवेचन कीजिए। सभ्य स्वभाव के मनुष्य कैसे होते हैं, सभ्य मनुष्य कैसे होते हैं, यानी सभ्य स्वभाव के मनुष्य कैसे होते हैं, किनके साथ प्रेम करना उत्तम होता है, वर्तमान और भविष्य में कौन से मनुष्य उपकार करने में समर्थ होते हैं, उन सब का मुझसे वर्णन कीजिए। मतलब अच्छे इंसान कैसे होते हैं। मेरी तो ये धारणा है कि जिस स्थान पर सुहद खड़े होते हैं वहाँ ना तो प्रचुर धन काम दे सकता है और ना संबंधी तथा बंधु बांधव भी ठहर सकते हैं। हित की बात सुनने वाला सुहद दुर्लभ है तथा हितकारी सुहद भी दुर्लभ ही है। धर्मात्मा में श्रेष्ठ पितामह, इन सब प्रश्नों का आप विशद विवेचन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर, किनके साथ संधि यानी मित्रता करनी चाहिए और किनके साथ नहीं, और किनके साथ नहीं करनी चाहिए, ये मैं तुम्हें ठीक ठीक बता रहा हूँ। तुम सब कुछ ध्यान देकर सुनो। जो लोभी, क्रूर, धर्मत्यागी, कपटी, सठ, शूद्र, पापाचारी, सब पर संदेह करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री, कुटिल, निंदित, गुरुपत्नीगामी, संकट के समय साथ छोड़कर चल देने वाले, दुरात्मा, निर्लज्ज, सब और पापपूर्ण दृष्टि रखने वाला, नास्तिक, वेदों की निंदा करने वाला, इंद्रियों को खुला छोड़कर जगत के अनुसार इच्छानुसार विचरने वाला, झूठा, सबके द्वेष का पात्र, अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रहने वाला, चुगलखोर, अपवित्र बुद्धि वाला, ईर्ष्यालु, पापपूर्ण विचार रखने वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, मन को वश में न रखने वाला, नृशंस, धूर्त, मित्रों की बुराई करने वाला, सदा दूसरों का धन लेने की इच्छा रखने वाला, यथाशक्ति देने वाले पर भी संतुष्ट ना हो रहने वाला, मंद बुद्धि, मित्रों को भी सदा धैर्य से विचलित करने वाला, असावधान, बेमो के क्रोध करने वाला, बेमौके क्रोध करने वाला, अकस्मात विरोधी होकर कल्याणकारी शोधक को भी शीघ्र ही त्याग देने वाला, अनजान में थोड़ा सा भी अपराध बन जाने पर मित्रों का अनिष्ट करने वाला, पापी, अपना काम बनाने के लिए ही मित्रों से मेल रखने वाला, वास्तव में मित्र द्वेषी, मुख से मित्रता की बातें करके भीतर से शत्रुभाव करने वाला, कुटिल दृष्टि से देखने वाला, विपरीत दर्शी, भलाई से कभी पीछे न हटने वाला, मित्र को भी त्याग देने वाले, शराबी, देशी, क्रोधी, निर्दयी, क्रूर, दूसरों को सताने वाला, मित्र द्रोही, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, कृतघ्न तथा नीच हो। संसार में ऐसे मनुष्य के साथ कभी संधि नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का छिद्र खोजता हो वो भी संधि करने योग्य नहीं है। अब संधि करने के योग्य पुरुष बता रहा हूँ, सुनो। जो कुलीन, बोलने में समर्थ, ज्ञान विज्ञान में कुशल, रूपवान, गुणवान, लोभहीन, काम करने से कभी ना थकने वाले, अच्छे मित्रों से संपन्न, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, लोभ से दूर रहने वाले, मधुर स्वभाव वाले, सत्य प्रतिज्ञा, जितेंद्रिय, सदा व्यायामशील, उत्तम कुल की संतान, अपने कुल का भार वहन करने में समर्थ, दोष शून्य तथा लोक में विख्यात हो, ऐसे मनुष्यों को राजा अपना मित्र बनाए। मतलब जो अपने आप का ख्याल रखता है, अपने आप को ज्ञानवान बनाता है, अपने आप को ठीक रखता है, वैसे प्रभु जो अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते और संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें बेमों के क्रोध नहीं आता, जो अकस्मात स्नेह का त्याग नहीं करते, जो उदासीन हो जाने पर भी मन से कभी बुराई नहीं चाहते, अर्थ के तत्व को समझते हैं और अपने को कष्ट में डालकर भी हितैषी पुरुषों का कार्य सिद्ध करते हैं, जैसे
रंगा हुआ ऊनी कपड़ा अपना रंग नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो मित्र की ओर से विरक्त नहीं होते, जो क्रोधवश मित्र का अनर्थ करने में प्रवृत्त नहीं होते हैं तथा लोभ और मोह के वशीभूत हो, मित्र की युवतियों पर अपनी आसक्ति नहीं दिखाते, जो मित्र के विश्वास पात्र और धर्म के प्रति अनुरक्त हैं, जिनकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना दोनों एक से हैं, जो सदा सुवेदों के प्रति सुस्थिर बुद्धि रखने वाले हैं, सबके लिए प्रमाणभूत शास्त्र के अनुसार चलते हैं और प्रारब्ध बस प्राप्त हुए धन में ही संतुष्ट रहते हैं, जो कुटुंब का संग्रह रखते हुए सदा अपने स्वद एवं स्वामी के कार्य साधन में तत्पर रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के साथ जो राजा मेल करता है उसका राज्य उसी तरह बढ़ता है जैसे चंद्रमा की चांदनी, जो प्रतिदिन शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, क्रोध को काबू में रखते हैं और युद्ध में सदा प्रबल रहते हैं, जिनका उत्तम कुल में जन्म हुआ है, जो शीलवान और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, वे श्रेष्ठ पुरुष ही मित्र बनाने योग्य होते हैं। निष्पाप नरेश, मैंने जो दोषयुक्त मनुष्य बताए हैं उन सब में अधम होते हैं कृतज्ञ, वे मित्रों की हत्या तक कर डालते हैं, ऐसे दुराचारी नराधमों को दूर से ही त्याग देना चाहिए, ये सबका निश्चय है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने जिसे मित्रद्रोही और कृतज्ञ कहा है उसका यथार्थ इतिहास क्या है, यह मैं विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, नरेश्वर, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें एक पुराना इतिहास बता रहा हूँ। यह घटना उदार दिशा में स्मलेच्छों के देश में घटित हुई थी। मध्य देश का ये एक ब्राह्मण जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था, कोई संपन्न गांव देखकर उसमें भीख मांगने के लिए गया। उस गांव में एक धनी डाकू रहता था जो समस्त वर्णों की विशेषता का जानकार था। उसके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति भक्ति थी, वो सत्य प्रतिज्ञा और दानी था। ब्राह्मण ने उसी के घर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। दस्यु ने ब्राह्मण को रहने के लिए एक घर देकर वर्षों भर निर्वाह करके योग्य अन्य की भिक्षा का प्रबंध कर दिया, उपयुक्त नया वस्त्र दिया और उसकी सेवा में एक युवती दासी भी दे दी जो उस समय पति से रहित थी। राजन, दस्यु से ये सारी वस्तुएं पाकर ब्राह्मण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उस सुंदर गृह में दासी के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। वो दासी के कुटुंब के लिए कुछ सहायता भी करने लगा। ब्राह्मण ने भील के उस समृद्धिशाली भवन में अनेक वर्षों तक निवास किया। उसका नाम गौतम था। उसने बाण चढ़ाकर लक्ष्य भेदने का वहाँ बड़े यत्न के साथ अभ्यास किया। राजन, गौतम भी दस्युओं की तरह प्रतिदिन जंगल में सब और घूम फिरकर हंसों का शिकार करने लगा। वो हिंसा में बड़ा प्रवीण था, उसमें दया नहीं थी, वो सदा प्राणियों को मारने की ही ताक में रहने लगता था। डाकुओं के संपर्क में रहने से गौतम भी उनके ही समान पूरा डाकू बन गया। डाकुओं के गांव में सुखपूर्वक रहकर प्रतिदिन बहुत से पक्षियों का शिकार करते हुए उसके कई महीने बीत गए। तदनंतर एक दिन कोई दूसरा ब्राह्मण उस गांव में आया जो जटा वत्कल और मृग चर्म धारण किए हुए था। वो श्रद्धा परायण, पवित्र, विनयी, नियम के अनुकूल भोजन करने वाला ब्राह्मण भक्त तथा वेदों का पारंगत विद्वान था। वो ब्रह्मचारी ब्राह्मण गौतम के ही गांव का निवासी तथा उसका परम मित्र था और घूमता हुआ डाकुओं के उसी गांव में जा पहुंचा था जहां गौतम निवास करता था। वो शूद्र का अन्न नहीं खाता था, इसलिए दस्युओं से भरे हुए उस गांव में ब्राह्मण के घर की तलाश करता हुआ सब और घूमने लगा। घूमता घामता वो श्रेष्ठ ब्राह्मण गौतम के घर पर गया। इतने ही में गौतम भी शिकार से लौट कर वहाँ आ पहुँचा। उन दोनों की एक दूसरे से भेंट हुई। ब्राह्मण ने देखा गौतम के कंधे पर मारे गए हंस की लाश है, हाथ में धनुष और बाण है, सारा शरीर रक्त से सींच उठा है। घर के दरवाजे पर आया हुआ गौतम नरभक्षी राक्षस के समान जान पड़ता है और ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुका है। उसे इस अवस्था में घर पर आया देख ब्राह्मण ने पहचान लिया। पहचान कर वे बड़े लज्जित हुए और उससे इस प्रकार बोले, अरे तू मोह बस ये क्या कर रहा है, तू तो मध्य देश का विख्यात एवं कुलीन ब्राह्मण था, यहाँ डाकू कैसे बन गया। ब्राह्मण, अपने
पूर्वजों को तो याद कर, उनकी कितनी ख्याति थी, वे कैसे वेदों के पारंगत विद्वान थे, और तू उन्हीं के वंश में पैदा होकर ऐसा कुल कलंक निकला। अब भी तो अपने आप को पहचान, तू द्विज है, अतः द्विजतीत सत्वशील शास्त्र ज्ञान संयम और दयाभाव को याद करके अपने इस निवास स्थान को त्याग दे। राजन, अपने उस हितैषी सुवद के इस प्रकार कहने पर गौतम मुनि मन कुछ निश्चय करके आत्म अपने हितैषी सुवद की इस प्रकार कहने पर गौतम मुनि मन कुछ निश्चय करके आत्सा होकर बोला, दिश श्रेष्ठ, मैं निर्धन हूँ और वेद को भी नहीं जानता, अतः दिश प्रवर मुझे धन कमाने के लिए इधर आया हुआ समझे। विपेंद्र, आज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया ब्राह्मण, अब रात भर यही रहिए, कल सवेरे हम दोनों साथ ही चलेंगे। वो ब्राह्मण दयालु था, गौतम के अनुरोध से उसके यहाँ ठहर गया, किंतु वहाँ की किसी भी वस्तु को हाथ से छुआ ही नहीं, यद्यपि वो भूखा था और भोजन करने के लिए गौतम द्वारा उससे बड़ी अनुनय विनय की गई, तो भी किसी तरह वहाँ का अन्न ग्रहण करना उसे स्वीकार नहीं हुआ। नेक्स्ट चैप्टर, गौतम का समुद्र की ओर प्रस्थान और संध्या के समय एक दिव्य बक पक्षी के घर पर अतिथि होना। भीष्म जी कहते हैं, भारत, जब रात बीती, सवेरा हुआ और वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ से चला गया, तब गौतम भी घर छोड़कर समुद्र की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि समुद्र के आसपास रहने वाले कुछ व्यापारी वैश्य ठहरे हुए हैं, वो उन्हीं के दल के साथ ही हो लिया और समुद्र की ओर जाने लगा। राजन, वैश्यों का वो महान दल किसी पर्वत की गुफा में डेरा डाले हुए थे। इतने ही में एक मतवाले हाथी ने उस पर आक्रमण कर दिया, उस दल के अधिकांश मनुष्य उसके द्वारा मारे गए। गौतम ब्राह्मण किसी तरह उस भय से छूट तो गया, परंतु उस घबराहट में वो ये निर्णय ना कर सका कि मुझे किस दिशा में जाना है। अपने प्राण बचाने के लिए वो उत्तर दिशा की ओर भागने लगा। व्यापारियों के दल का साथ छूट गया, अतः उस देश में भी भ्रष्ट होकर वो अकेला ही उस वन में विचरने लगा, मानो कोई किम पुरुष घूम रहा हो। उस समय समुद्र की ओर जाने वाले एक मार्ग उसे मिल गया और उसी को पकड़कर वह दिव्य एवं रमणीय वन में जा पहुंचा। वहां के सभी वृक्ष सुंदर फलों से सुशोभित थे। सभी ऋतुओं में फूलने फलने वाली आम्र वृक्ष की पंक्तियां उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। यक्ष और किन्नरों से सेवित वह प्रदेश नंद वन के समान मनोरम जान पड़ता था। शाल ताल तमाल काले आगुरु के वन तथा श्रेष्ठ चंदन के वृक्ष उस वन को सुशोभित करते थे। वहाँ के रमणीय और सुगंधित पर्वतीय समतल प्रदेशों में चारों ओर उत्तमोत्तम पक्षी कलरव कर रहे थे। कहीं मनुष्यों के समान मुख वाले भारुंड नामक पक्षी बोलते थे, कहीं समुद्र तट और पर्वतों पर रहने वाले भुलिंग पक्षी तथा अन्य बिंगगम चहचहा रहे थे। पक्षियों की उर मधुर मनोरम और रमणीय कलरवों का को सुनता हुआ गौतम ब्राह्मण आगे बढ़ता चला गया। नरेश तदनंतर उन रमणीय प्रदेशों में से एक ऐसे स्थान पर जो सुवर्णमय बालुका राशि से व्याप्त समतल सुवध विचित्र और स्वर्गीय भूमि के समान मनोहर था, गौतम ने एक अत्यंत शोभायमान बरगद का विशाल वृक्ष देखा जो चारों ओर मंडलाकार फैला हुआ था। अपनी बहुत सी सुंदर शाखाओं के कारण वो वृक्ष एक मान छत्र के समान जान पड़ता था। उसकी जड़ चंदन मिश्रित जल से सींची गई थी, ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा पाने वाला वो वृक्ष दिव्य पुष्प से सुशोभित था। उस परम उत्तम मनोरम बट वृक्षों को देखकर गौतम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो पवित्र देवगृह के समान सुंदर और खिले हुए वृक्षों से घिरा हुआ था। उस वृक्ष के पास जाकर वो बड़े हर्ष के साथ उसके नीचे छाया में बैठा। कुंती नंदन गौतम के वहाँ बैठते ही फूलों का स्पर्श करके सुंदर मंद सुगंध वायु चलने लगी जो बड़ी ही सुखद और कल्याणप्रद जान पड़ती थी। नरेश्वर वो गौतम के संपूर्ण अंगों को आह्लाद प्रदान कर रही थी। उस पवित्र वायु का स्पर्श पाकर गौतम को बड़ी शांति मिली। वो सुख का अनुभव करता हुआ ही लेट गया। उधर सूर्य भी डूब गया। तदनंतर सूर्य के अस्ताचल को चले जाने के पश्चात संध्याकाल उपस्थित होने पर ब्रह्मलोक से वहाँ एक श्रेष्ठ पक्षी आया। वो वृक्ष ही उसका घर या वासस्थान था।
वो महर्षि कश्यप का पुत्र, ब्रह्मा जी का प्रिय सखा था। उसका नाम था नारीजंग। वो बगुलों का राजा और महाबुद्धिमान था। वो अनुपम पक्षी इस भूतल पर राजधर्म के नाम से विख्यात था। देवकन्या से उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर की कांति देवता के समान थी। वो बड़ा विद्वान था और दिव्य तेज से संपन्न दिखाई देता था। उसके अंगों में सूर्यदेव की किरणों के समान चमकीले आभूषण शोभा देते थे। वो देव कुमार अपने सभी अंगों में विशुद्ध एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित हो दिव्य दीप्ति से दैवत्यमान होता था। उस पक्षी को आया देख गौतम आश्चर्य से चकित हो उठा। उस समय वो भूखा प्यासा तो था, ये रास्ता चलने की थकावट से भी चूर चूर हो रहा था। अतः राजधर्म को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर देखा। राजधर्म पास जाकर बोला, विप्रवर आपका स्वागत है, ये मेरा घर है, आप यहाँ पधारे, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सूर्यदेव अस्तल को चले गए, ये संध्या काल उपस्थित है, आप मेरे घर आए प्रिय और उत्तम अतिथि है। आप मेरे घर आए हुए प्रिय और उत्तम अतिथि है। मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार आज आपकी पूजा करूँगा। रात में मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल प्रातःकाल यहाँ से जाइएगा। नेक्स्ट गौतम का राजधर्म द्वारा आतिथ्य सत्कार और उसका राक्षस राज विरूपक्ष के भवन में प्रवेश। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पक्षी की वो मधुर वाणी सुनकर गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कौतूहलपूर्ण दृष्टि से राजधर्म की ओर देखने लगा। राजधर्म बोले, द्विज श्रेष्ठ, मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ, मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या है, आप गुणवान अतिथि है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर राजा भगीरथ के रथ से आक्रांत हुए। जिन भूभागों में श्री गंगा जी प्रवाहित होती है, वहाँ गंगा जी के जल में जो बड़े बड़े मत्स्य विचरते हैं, उन्हीं में से कुछ मत्स्यों को लाकर राजधर्मा ने गौतम के लिए भोजन की व्यवस्था की। कश्यप के उस पुत्र ने अग्नि प्रज्वलित कर दी और मोटे मोटे मत्स्य लाकर अपने अतिथि गौतम को अर्पित कर दिया। वो ब्राह्मण उन मत्स्यों को पकाकर जब खा चुका और उसकी अंतरात्मा तृप्त हो गई, तब वो महातपस्वी पक्षी उसकी थकावट दूर करने के लिए अपने पंखों से हवा करने लगा। विश्राम के पश्चात जब वो बैठा, तब राजधर्मा ने उससे गोत्र पूछा। गौतम ने कहा, मेरा नाम गौतम है और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। इससे अधिक कोई बात वो बता ना सका। तब पक्षी ने उसके लिए पत्तों का दिव्य बिछावन तैयार किया, जो फूलों से आदिवासी होने के कारण सुगंध से महक रहा था। वो बिछावन उसे दिया और गौतम उस पर सुखपूर्वक सोया। धर्मराज, जब गौतम उस बिछौने पर बैठा, तब बातचीत में कुशल कश्यप कुमार ने पूछा, ब्राह्मण, आप इधर किस लिए आए हैं? भारत, तब गौतम ने उससे कहा, महामते, मैं दरिद्र हूँ और धन के लिए समुद्र तट पर जाने की इच्छा लेकर घर से चला हूँ। ये सुनकर राजधर्मा ने प्रसन्न होकर कहा, द्विश्रेष्ठ, अब आप वहाँ तक जाने के लिए उत्सुक ना हो, वहीं आपका काम हो जाएगा, आप यहीं से धन लेकर अपने घर को जाइएगा। प्रभु बृहस्पति के मत के अनुसार अर्थ की सिद्धि चार प्रकार से होती है, वंश परंपरा से, प्रारब्ध की अनुकूलता से, धन के लिए किए गए सकाम कर्म से और मित्र के सहयोग से। मैं आपका मित्र हो गया हूँ, आपके प्रति मेरा सौहार्द बढ़ गया है, अतः मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तदनंतर जब प्रातःकाल हुआ, तब राजधर्मा ने ब्राह्मण के मुख से उपाय सोचकर इस प्रकार कहा, सौभ्य, इस मार्ग से जाइए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से 3 योजन दूर जाने पर जो नगर मिलेगा, वहाँ महाबली राक्षस राज विरूपाक्ष रहते हैं, वो मेरे महान मित्र हैं। दृश्रेष्ठ, आप उनके पास जाइए, वे मेरे कहने से आपको यथेष्ट धन देंगे और आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करेंगे, इसमें संशय नहीं है। राजन, उसके ऐसा कहने पर गौतम वहाँ से चल दिया। उसकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी। महाराज मार्ग में तेज पातों के वन में, जहाँ चंदन और अगुरु के वृक्ष की प्रधानता थी, विश्राम करता और इच्छानुसार अमृत के समान मधुर फल खाता हुआ वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते वो मेरुब्रज नामक नगर में जा पहुंचा, जिसके चारों ओर पर्वतों के टीले, पर्वतों की ही चार दीवारी थी। उसका सदर फाटक भी
एक पर्वत ही था। नगर की रक्षा के लिए सब और शिला की बड़ी बड़ी चट्टाने और मशीनें थी। परम बुद्धिमान राक्षस राज विरूपाक्ष को सेवकों द्वारा यह सूचना दी गई कि राजन, आपके मित्र ने अपने एक प्रिय अतिथि को आपके पास भेजा है, वो बहुत प्रसन्न है। युधिष्ठिर ये समाचार पाते ही राक्षस राज ने अपने सेवकों से कहा, गौतम को नगर द्वार से शीघ्र यहाँ लाया जाए। ये आदेश प्राप्त होते ही राज सेवक गौतम को पुकारते हुए बाज की तरह झपट कर उस श्रेष्ठ नगर के फाटक पर आए। महाराज राजा के उन सेवकों ने उस समय उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण जल्दी कीजिए, शीघ्र आइए, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। विरूपाक्ष नाम से प्रसिद्ध वीर राक्षस राज आपको देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, अतः आप शीघ्रता कीजिए। बुलावा सुनते ही गौतम की थकावट दूर हो गई, वो विस्मित होकर दौड़ पड़ा। राक्षस राज की उस महासमृद्धि को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता था। राक्षस राज के दर्शन की इच्छा मन में लिए वो ब्राह्मण उन सेवकों के साथ शीघ्र ही राजमहल में जा पहुंचा। नेक्स्ट चैप्टर गौतम का, राक्षस राज के वहां से सुवर्ण राशि लेकर लौटना और अपने मित्र बक के बाद का घृणित विचार मन में लाना।